ये सेगमेंट रहता है, इससे आप लोग संडे राइड्स भी कर सकते हो, डे टू डे जो आपका एक ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग या फिर फैमिली के साथ यूज भी इस कैटेगरी को आप लोग कर सकते हो। तो मून चैनल ABS यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी काफी इनफ अच्छी खासी एक ना ब्रेकिंग यहाँ पे मिलती है। राइड रिव्यू जरूर से चेकआउट करना, सारा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। हजार्ड के लिए सेपरेट यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है, और ये अपना हजार्ड ऑन होने के साथ लुक। बात करते हैं अगर CB200X की, तो यहाँ पे मिलता है आपको ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर और ये अपना हॉर्नेट का रहा। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज का वीडियो अपना होने वाला है होंडा हॉर्नेट 2.0 के बारे में, व्हाई टू चूज होंडा हॉर्नेट 2.0। पांच ऐसे पॉइंट्स के बारे में अपन लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्यों आप लोगों को होंडा हॉर्नेट को लेना चाहिए। नेगेटिव्स भी पॉजिटिव्स भी सब कुछ इन डिटेल बात करने वाले हैं। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, काफी ज्यादा यूजफुल ये वीडियो आप लोगों के लिए रहने वाला है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी जरूर से कर देना है। पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, ताकि आप लोग ज्यादा रिलेट कर सको वीडियो में कि क्या प्राइस पे करने के बाद बाइक में आपको क्या कुछ मिल जाने वाला है। सो ऑन रोड जयपुर हॉर्नेट 2.0 कॉस्ट करती है 1,65,000, 1.65 ऑन रोड जयपुर अपनी प्राइसिंग रहती है। हॉर्नेट के साथ ही आप लोगों को पता ही है सेम ही इंजन के साथ ना CB200X भी अवेलेबल रहती है। वहां पे एक प्रॉपर एडवेंचर कैटेगरी वाले बाइक का ना एक प्रॉपर लुक भी मिलता है, और फील भी वही रहता है विद लो सीट हाइट। सो CB200X भी आप लोग प्रीफर कर सकते हो। ये हो जाती है अपनी 1,65,000 प्राइसिंग हॉर्नेट की। कॉम्पिटिशंस की बात करते हैं, सो अभी के लिए ना ये जो सेगमेंट है 160-180 सीसी सेगमेंट ना काफी ज्यादा अच्छा खासा एक ना यहाँ पे भीड़ भाड़ है। अपाचे 182V है, 162V, 164V, TVS के पास तीन प्रोडक्ट हो जाते हैं इस लाइनअप में। बजाज के पास टोटल दो प्रोडक्ट रहते हैं, N150 और N160। तो मेजर कॉम्पिटिशन तो उसका एक 164V या फिर N160, NS160, हीरो एक्सट्रीम 160, R4V, तो ये इस ब्रैकेट में ना हॉर्नेट भी अवेलेबल रहते हैं। और यामा के पास भी FZS वगैरह रहता ही है V4 वाला। सो इस टाइप से ये हो जाते हैं अपने कॉम्पिटिशन और अपनी प्राइसिंग। अब आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे, जो कि है इस बाइक के लुक्स और कलर ऑप्शन। सो कलर ऑप्शन भी काफी अच्छे हैं, स्पेशली रेप्सोल एडिशन। ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे अभी देख रहे हो रेप्सोल एडिशन, लगभग 1500 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पे आपको रेप्सोल एडिशन भी अवेलेबल हो जाता है हॉर्नेट में ही। रेप्सोल CB200X में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ आपको हॉर्नेट में और DO125 में ही अवेलेबल रहेगा। कलर ऑप्शंस अपने रहेंगे टोटल 4+1 मतलब 4 आपका रेगुलर कलर ऑप्शन रहते हैं, प्लस 1 हो जाता है आपका रेप्सोल एडिशन। लुक्स की बात करते हैं ना, तो ये आप लोग फ्रंट लुक देख सकते हो। फ्रंट टायर यहाँ पर आप लोगों को मिलता है 110 सेक्शन का, जिसकी वजह से फ्रंट लुक काफी ज्यादा इनहेंस हो जाता है। उसी के साथ से जो सस्पेंशन पे गोल्डन ट्रीटमेंट आ रहा है ना, इसके साथ भी लुक काफी इनहेंस होता है। अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे मिल जाता है। ये अपना एक लेफ्ट साइड प्रोफाइल, सो काफी अच्छा प्रॉपर लेआउट आएगा। राइट साइड से देखते हैं और फिर आते हैं अपन लोग रियर पे। ये अपना राइट साइड प्रोफाइल, लुक काफी ज्यादा इंस्पायर्ड आपको फील होंगे CB300F से भी, जो कि 300cc सेगमेंट में आ जाता है, और वो भी बाइक ना काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। ऐसा ही एक वीडियो CB300F का ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट करना। हॉर्नेट के कलर ऑप्शंस प्लस हॉर्नेट का राइड रिव्यू और CB300F का व्हाई टू चूज CB300F वाला वीडियो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है। सो ये अपना पॉइंट हो जाता है फर्स्ट वाला, क्लियर लुक्स प्लस कलर ऑप्शंस, जो कि काफी अच्छा आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर सेटअप मिल जाएगा। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है आपका प्रैक्टिकलिटी। बाइक में कितना प्रैक्टिकलिटी है, ये वाला जो एक सेगमेंट रहता है ना, ये बाइक एक डेली यूज में भी यूज होती है। ऐसा नहीं है ना कि हॉर्नेट लेने के बाद आपको सिर्फ संडे राइड्स ही करनी है या फिर लॉन्ग टूरिंग ही करनी है। ये सेगमेंट रहता है, इससे आप लोग संडे राइड्स भी कर सकते हो, डे टू डे जो आपका एक ऑफिस गोइंग, कॉलेज गोइंग या फिर फैमिली के साथ यूज भी इस कैटेगरी को आप लोग कर सकते हो। तो वही अपना सेकंड पॉइंट है प्रैक्टिकलिटी। लो सीट हाइट यहाँ पे मिलेगी, लगभग 800-790 mm के अराउंड ही यहाँ पे आप लोगों को सीट हाइट मिल जाती है, जो कि काफी अच्छा है। मेरी हाइट है 5'5" और मैं इस पे कंफर्टेबली अच्छा खासा फुट टच मेरा रहता है, वो चीज तो अपना एक हो ही जाता है। उसी के साथ साथ सीट कंफर्ट कैसा है, तो पिलियन के लिए भी काफी इनफ स्पेस है, राइडर का भी काफी अच्छा स्पेस है, स्प्लिट में सीट मिलती है, एक जो कुशनिंग है ये भी काफी सॉफ्टर साइड पे मिल जाती है। उसी के साथ साथ सेंटर स्टैंड विद साइड स्टैंड ये भी दोनों मिल जाता है, जो कि काफी एक डेली यूज के लिए काफी अच्छा सेटअप बना देता है। सो प्रैक्टिकलिटी काफी इजी है। आगे एक अपना जो फ्यूल टैंक का जो प्रॉपर शेप बनता है ना, ये भी काफी अच्छा है। हालांकि यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, जिसको कि आप लोग एक नेगेटिव भी कंसिडर कर सकते हो, बट एक प्रॉपर जो पूरा सेगमेंट है या फिर कॉम्पिटिशन है ना, तो सिर्फ N160 में ही चार्जर अवेलेबल रहता है। उसके अलावा किसी भी इस सेगमेंट की बाइक पे अपाचे ले लो, एक अपना NS160 ले लो, चार्जर अवेलेबल नहीं है। सो ये एक आपका हो जाता है अपना पॉइंट नंबर 2,
प्रैक्टिकलिटी जो कि काफ़ी अच्छा है, इसमें अच्छा खासा सेटअप आपको मिल जाता है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जो है इस बाइक में फीचर्स। काफ़ी सारे एक फीचर्स यहाँ पर आप लोगों को मिलेंगे। एक अगर अपन स्टार्ट करें फीचर्स करना तो पहला चीज़ आ जाता है जो कि आपका स्लिप एंड असिस्ट क्लच। स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको CB200X में भी और हॉर्नेट में भी मिल जाता है, जिसकी वजह से क्लच का फील काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाइट आपको मिलेगा। उसके बाद अपना सेकंड पॉइंट रहता है सस्पेंशन, जो कि है अपसाइड डाउन शोवा का, जिसकी कि प्रॉपर यहाँ पे मार्किंग भी मिल जाती है। ये रहा तो शोवा का सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है विथ ये गोल्डन ट्रीटमेंट। उसी के साथ साथ आ जाता है आपका ब्रेकिंग। हालांकि ड्यूल चैनल ABS यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी काफ़ी इनफ अच्छी खासी एक ना ब्रेकिंग यहाँ पे मिलती है। राइड रिव्यू जरूर से चेकआउट करना, सारा आइडिया आप लोगों को हो जाएगा। फ्रंट में भी डिस्क है, रियर में भी यहाँ पे डिस्क ही है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मिल जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छा नेक्स्ट लेवल इस ब्रेकिंग सेटअप को बना देता है। पेट्रल डिस्क ही रियर में भी है मशीन ब्रेकिंग के साथ, और फ्रंट में भी पेट्रल डिस्क ही है मशीन ब्रेकिंग के साथ। कैलिपर्स ये आप लोग देख सकते हो, और लगभग साइज की बात करें ना तो 276 mm के अराउंड अराउंड इसका साइज अपना रहने वाला है। अगला पॉइंट लेते हैं जो फीचर्स में ही अपन लोग कवर कर रहे हैं ना, वो है लाइटिंग सेटअप। सो लाइटिंग यहाँ पर ओवरऑल आपको मिलेगी LED में ही हेडलैम्प है, LED में ही इंडिकेटर भी है, और हजार्ड भी यहाँ पर आप लोगों को कंपनी से ही मिल जाता है। इग्निशन फ्यूल टैंक पे है, इग्निशन ऑन करते हैं। सो इस टाइप से इग्निशन के साथ ये आपका लाइटिंग सेटअप ऑन रहेगा, LED DRL वाला पार्ट, और हजार्ड के लिए सेपरेट यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है, और ये रहा अपना हजार्ड ऑन होने के साथ लुक। तो कुछ ये अपना लुक रहेगा। रियर लाइटिंग भी ये आप लोग देख सकते हो। नंबर प्लेट का जो बल्ब है ये भी अपना LED में ही सेटअप ओवरऑल रहने वाला, और लाइटिंग का थ्रो भी ना काफ़ी अच्छा यहाँ पर लोगों को मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ अगला पॉइंट अपना फीचर्स में रहता है टायर का ग्रेडिंग या फिर टायर का लेआउट क्या रहता है। MRF ट्यूबलेस फ्रंट भी और रियर भी, ये अपना सेटअप है। ये टायर का पैटर्न ये रहा, रियर टायर यहाँ पर लोगों को मिलेगा 140/70/17 का, 140 सेक्शन का रियर टायर है। काफ़ी एक कॉन्फिडेंस आपको टायर की वजह से भी प्रोवाइड होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है स्पेशली NS से, अपाचे से, और आपका एक हो जाता है N160, उसके अकॉर्डिंग रियर टायर का सेटअप यहाँ पे काफी अच्छा है। और फ्रंट टायर का पैटर्न कुछ इस टाइप से है, फ्रंट टायर यहाँ पर लोगों को मिल जाता है 110 सेक्शन का। टायर की ग्रेडिंग है फ्रंट की 110/70/17 MRF ट्यूबलेस, और फ्रंट टायर की वजह से ही जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया फ्रंट लुक भी काफी ज्यादा इनहेंस होता है। अब बात करते हैं ना अगर CB200X की, तो यहाँ पे मिलता है आपको ब्लॉक पैटर्न टाइप टायर, और ये अपना हॉर्नेट का रहा। ये हो जाता है लास्ट में एक अपन फीचर्स में या फिर कह सकते हो जो इस बाइक को ओवरऑल अच्छा सेटअप बनाता है, वो अपना रेपसोल एडिशन हो ही जाता है। स्क्रीन पे देख सकते हो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है रेपसोल एडिशन का डिटेल्ड में। सो रेपसोल एडिशन भी आप लोग प्रीफर कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि है इस बाइक का पावर। अब आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये भी आता है कि यार यहाँ पे लिक्विड कूलिंग सिस्टम नहीं है, बट भैया यहाँ पे कोई दिक्कत उसके साथ रहती भी नहीं है। मैंने इस बाइक को लगभग 20 किलोमीटर के अराउंड अराउंड ना राइड किया था, जो राइड रिव्यू मैंने शूट किया था वहाँ पे कोई भी मुझे ना हीटिंग का सच इशू कोई भी एक नहीं मिला। और अभी रिसेंटली मुझे हॉर्नर 2.0 E20 के एक ओनर भी मिले थे सर्विस के टाइम पे, जो कि मैंने अपनी SP का सर्विस वीडियो डाला था, उस भाई से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने भी कोई ऐसा इशू नहीं बोला कि अब यहाँ पे हीटिंग इशू नहीं आ रहा। देखो बाकी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आता ही नहीं है, वो यार प्रोडक्ट है, 100 में से 1 चीज़ में दिक्कत भी आ सकती है। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं ना, सो 184.4 cc का 4-stroke SI इंजन यहाँ पे मिल जाता है 5-speed गियरबॉक्स के साथ, 17.03 HP का पीक पावर और 15.9 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क रहेगा। इस टाइप से कुछ लेआउट है, इंजन काउल भी मिल जाता है, फुटपैक्स वगैरह। ये रहा अपना एग्जॉस्ट। सो एग्जॉस्ट के लिए अभी फिलहाल के लिए सॉरी है, क्योंकि बाइक में फ्यूल थोड़ा सा ना लेवल लो है, बट हॉर्नेट के काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोडेड हैं, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो अपने चैनल पे हॉर्नेट एग्जॉस्ट साउंड एक सर्च करके। तो ये हो जाती है अपना लास्ट, फोर्थ पॉइंट भी कंप्लीट, सेकंड लास्ट। फिफ्थ ऑप्शन अपना हो चुका है पहले ही, सबसे पहले कवर जो कि है इस बाइक की प्राइसिंग। अब ओवरऑल डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है, उसके अकॉर्डिंग 1,65,000 रुपये आपको पे कर रहे हैं। होंडा की फिट एंड फिनिश क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल जाती है, ये जो प्लास्टिक क्वालिटी है, पेंट फिनिश क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोगों को यहाँ पे ओवरऑल एक सेटअप मिलेगा, टायर सेटअप भी है। तो फिफ्थ पॉइंट अपना था प्राइसिंग सेटअप ही, तो 1,65,000 ऑन रोड जयपुर में मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इन फ्यूचर जैसा कि हो सकता है 24 में ही कुछ अपडेट के साथ ड्यूल चैनल ABS भी यहां पे आ सकता है, इतना बड़ा कोई मेजर इशू है नहीं। प्राइस पॉइंट पे भी ज़्यादा कोई अंतर नहीं आएगा, जैसे कि अपाचे में अभी 164V में आने वाला है ना, 2V में एक अपना सॉरी 4V में ड्यूल चैनल ABS, सो वो वाला हो सकता है हॉर्नेट में भी अवेलेबल हो जाए। इसी के साथ ये हो जाता है अपने पाँचों ही पॉइंट्स कवर।
वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही हो, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। एक मेरा ओपिनियन मांगोगे तो हॉर्नर तो देखो मुझे काफ़ी पसंद आई थी उस दिन से ही जिस दिन मैंने इस बाइक को राइड किया था। तो बाइक आप लोग इजीली परचेज कर सकते हो, काफ़ी एक ना लॉन्ग टर्म वाली ये कहानी है, और एक इस बाइक में रिलायबिलिटी का इशू भी आप लोगों को नहीं आएगा क्योंकि होंडा के सर्विस सेंटर भी इजीली अवेलेबल है, पार्ट्स भी एक काफ़ी कम कॉस्टिंग के आते हैं, काफ़ी कम सर्विस कॉस्ट रहती है। सो कोई भी डरने वाली बात हॉर्नेट के साथ आपको नहीं है, और कंपैरेटिवली ना हॉर्नेट की आपको रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिल जाती है। सो हॉर्नेट आप लोग ले सकते हो, मेरी तरफ से थम्स अप है हॉर्नेट के लिए। करते हैं वीडियो को एंड और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।